दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप रेलवे एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें ताकि आपकी नौकरी पक्की हो इस साल 2018 में। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं डेली यहाँ पर रेलवे के एग्जामिनेशन रिलेटेड स्टडी मटेरियल वीडियो बना के मैं अपने चैनल पांडे गुरुजी पे अपलोड करता हूँ। यहाँ पे मैं प्ले लिस्ट बना के रखा हूँ। तो अभी तक आप पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन उसके पास भी वीडियो को जाए। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि देखेंगे कि आप रेलवे के एग्जामिनेशन को एक सिंगल अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। आपको कुछ गोल्डन रूल बताएंगे, गोल्डन आइडिया बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, इनोवेटिव आइडिया बताएंगे जो आपको फॉलो करके आप एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और कुछ पॉइंट होता है जो आप नोट करना चाहते हैं ताकि वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो पॉइंट को अपने नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि बहुत जगह से बहुत से आप वीडियो देखे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ वहीं से कुछ सीखने को मिलती है। तो कुछ भी आपको 5-10% भी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो उसको आप नोट डाउन करने की कोशिश करें, ज़रूर करें, ताकि आपको एग्जामिनेशन में आप इजीली सॉल्व कर क्रैक कर सके एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि पहला गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है ताकि आप RRB रेलवे का RRB LP टेक्नीशियन और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन दोनों क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 8 गोल्डन अपॉर्चुनिटी बताऊंगा। जो रूल है, एक आइडिया है, उसको फॉलो करने से आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले से। तो सबसे पहला जो रूल है वो है सिलेक्ट बेस्ट स्टडी मटेरियल। आपको सबसे पहले कोई भी एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको उसका मटेरियल, एग्जामिनेशन का मटेरियल प्रिपेयर करने का मटेरियल होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बेस्ट मटेरियल कहीं से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। चाहे ये वो आप YouTube का वीडियो देख के कलेक्ट कर सकते हैं, YouTube में वीडियो देख के कलेक्ट कर सकते हैं, या ऑनलाइन में ऑनलाइन से नोट बना सकते हैं, या ई-बुक भी ले सकते हैं, या फिजिकल या कोई भी बुक, आप कोई भी अच्छे राइटर का बुक आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करने से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला रूल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है बेस्ट सिलेक्ट स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल सिलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करने के चक्कर में ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करें। कभी कभी कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि बहुत सारे बुक खरीद कर रख लेते हैं, जैसे कि रीजनिंग का 5 बुक रख लिए, मैथ का 4 बुक रख लिए। तो बहुत से ज़्यादा बुक एडवांस में रखने का भी ज़रूरत नहीं है। आप सेलेक्टिव बुक को 2 या रीजनिंग का 2 रखिए, आप रीजनिंग का 2 रखिए, मैथ का 1 या 2 रखिए, या GS और GK का आप एक या दो बुक रखिए। उसके अलावा और आप वीकली जो मंथली मैगजीन आता है, मंथली जो मैगजीन आता है उसको आप रीड करें। तो ज़्यादा बुक रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा बुक पढ़ने से आप टाइम वेस्ट करेंगे। एक टॉपिक को यहाँ पे सर्च करेंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे, तो इससे टाइम वेस्टिंग की ज़्यादा संभावना होती है। तो बेस्ट सिलेक्ट स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी अपवाद लगते हैं उसको साइड कर दें, और जो भी बुक आपको अच्छे लगते हैं। कभी कभी कोई भी स्टूडेंट को क्या होता है कि एक RS अग्रवाल का बुक अच्छा समझ में आ रहा है, किसी को SP बख्शी का अलग समझ में आ रहा है। तो आपको जो भी बुक अच्छे समझ में आता है वही बुक को पढ़ें और कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें। देखते हैं सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल है आपको नॉलेज ऑफ RRB एग्जाम पैटर्न। जो भी एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं उसके पैटर्न को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या सिलेबस है, किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं बेसिकली स्क्रीनशॉट में डाला हूँ, मैं जो भी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो आपको ओवरव्यू देने के लिए, क्योंकि जो पहला फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन होगा वो 60 मिनट का होगा और 75 क्वेश्चन होगा।
तो उसके बाद फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आप सेकेंड स्टेज में जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन के बारे में जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था रेलवे को द्वारा, उसमें पहला सेक्शन मैथमेटिक्स था, उसमें टॉपिक है रीजनिंग था, जनरल साइंस है, और जीके विद द जनरल अवेयरनेस है। तो ये बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वैसे ही रीजनिंग का। मैं बहुत सारे वीडियो में रीजनिंग में जीएस और जीके का अपने चैनल पांडे गुरुजी पे अपलोड कर दिया हूँ। वहाँ पे आपको जब भी टाइम मिले आप टॉपिक वाइज आप वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस हमारे चैनल www.itofficerjob.com पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मेरा वेबसाइट है जहाँ पे मैं डेली क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। तो आपको सबसे पहले नॉलेज ऑफ आरआरबी एग्जामिनेशन का पैटर्न होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको छोटे छोटे पॉइंट को आपको अच्छा लगा तो आप अपने नोटपैड पे नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं गोल्डन की रूल नंबर 3, प्रिपेयर ए टाइम टेबल। आप जब भी कोई भी प्रिपरेशन का स्टार्टिंग करते हैं उसके लिए आपको एक टाइम टेबल का मेंटेन करना जरूरी जो बहुत ज़रूरी है। वैसे स्टूडेंट जो आप सोचते होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते हैं, बहुत सारे क्रैक नहीं कर पाते हैं इतने मेहनत करने के बाद, उसमें सबसे बड़ा की फैक्टर होता है टाइम टेबल। टाइम टेबल एक बहुत ही की फैक्टर है। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, जो भी स्टूडेंट टाइम टेबल को मैनेज करने के लिए सीख जाता है वो भी आगे लाइफ में या कहीं भी सक्सेस 100% करता है। तो आप अपने जिस सब्जेक्ट में, सपोज आप मैथ में कमज़ोर हैं तो मैथ को आप ज़्यादा घंटा दिए 4 to 5 hours दीजिए। आपको रीजनिंग अच्छा है तो उसमें माइनस कर दीजिए प्रिपरेशन को। आपको जीएस जीके थोड़ा हार्ड लगता है तो उसमें जीके को हार्ड लगता है तो उसमें आप टाइम टेबल को इंक्रीज कर दीजिए। तो ऐसे आप डेली टाइम टेबल कीजिए। आप मॉर्निंग में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आफ्टरनून में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इवनिंग में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, नाइट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। टाइम टेबल बनाने से नहीं होता है, टाइम टेबल को जो स्टूडेंट फॉलो करता है वही सक्सेस होता है। तो देखते हैं गोल्डन की रूल नंबर 4, मेक ऑन शॉर्ट नोट। दोस्तों जब भी आप कोई भी बुक से पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो आप भी क्या कीजिए कि कोई भी आप जहाँ से भी आपको अच्छे की पॉइंट मिलते हैं उसका अपना नोट्स बनाइए, अपना फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कोशिश कीजिए। इससे आपको बेनिफिट होगा कि आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। उसके बाद आप कोई भी एग्जामिनेशन में जब भी आएगा उससे आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग आपको भी रट्टू मत मारिए, अपने उसके नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप क्या होगा कि एग्जामिनेशन से पहले आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा और वो एग्जामिनेशन आप इजीली क्लियर कर सकें। तो देखते हैं गोल्डन की रूल नंबर 5, गाइडेंस एंड एक्सपर्ट। दोस्तों कोई भी चीज़ बिना गाइडेंस और एक्सपर्ट का पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी चीज़ को क्रैक करने के लिए, चाहे आप कोई भी छोटा सा भी काम करने जा रहे हैं जिसको आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो गाइडेंस और एक्सपर्ट का नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अभी फ्री यूट्यूब का चैनल है, ये ऑनलाइन है, तो कहीं से भी आपको जैसे गाइडेंस या टिप्स मिलता है, जैसे मैं आपको भी कुछ जो भी अपना नॉलेज है मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी आपको 5 to 10% मिलता है। तो आप उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, चाहे वो अपने छोटे से हो या बड़े से हो या ऑनलाइन हो या बुक से हो, कहीं से भी कोई भी गाइडेंस मिलता है तो उसको अपने जीवन लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करें। एक्सपर्ट की राय जरूर माने, अपने घमंडी की बात न सुने। किसी का भी बात कोई जब बताता है तो आपको अच्छा लगा तो उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करने, ये सक्सेस का फैक्टर का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं रूल नंबर 6, डू टाइम मैनेजमेंट। जब तक आप कोई भी चीज़ को करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का कोशिश नहीं करेंगे
तो आपसे कुछ भी कोशिश नहीं हो सकता है। हर एक चीज़ को अकॉर्ड टाइम के अकॉर्डिंग कीजिए, टाइम मैनेजमेंट दीजिए। आप सपोज मैथ में 4 आवर है तो आप 4 आवर देना ही देना है, रीजनिंग में 4 आवर है तो 4 आवर देना ही देना है, GS और GK में 2 आवर देना है तो 2 आवर देना ही देना है। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग पंचुअल रहें, आप टाइम का मैनेज करें। ऐसा नहीं कि आप मैथ में ही 7 to 8 आवर दे दिए बट रीजनिंग को कुछ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होता है कि हर एक पार्ट में आपको नंबर लाना क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन होंगे वो तीनों से डिवाइडेबल होंगे। आप 2 सेक्शन करके आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकते हैं, आपको तीनों सेक्शन में क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वैसा नंबर सपोज आपको रीजनिंग और मैथ में आपको 40 ही नंबर आया, बाकी का GS से आया 40 में, आप 40 भी ले आएँ तब भी आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कट ऑफ से क्लियर नहीं होगा। तो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हर एक टाइम को हर एक सेक्शन को डिवाइड करके पढ़ें, ताकि आप तीनों सेक्शन में आप इजीली अच्छे से स्कोर कर सकेंगे। देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर, रूल नंबर 7, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार इसको 5 to 7 to 7 स्टार दे दीजिए। कम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी जो कि एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि आप स्पीड को जैसे तेज करेंगे एक्यूरेसी डाउन होगा, तो स्पीड एक्यूरेसी को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक्यूरेसी स्पीड आपका 100% है तो एक्यूरेसी भी आपको 100% रखना है। ऐसा नहीं कि स्पीड आपको बढ़ा दिए 100% कर दिए बट एक्यूरेसी क्या होगा 70% पे आ गया, ऐसा आपको नहीं करना। आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है, ताकि आपको कहीं आपको एक्यूरेसी नीचे जा रहा है तो स्पीड को आप कम कर दीजिए। तो इसको बैलेंस जो करना सीख जाता है वही एग्ज़ाम क्रैक कर पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, और उस कंपटीशन में भाग में आगे बढ़ने के लिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी से आगे बढ़ना पड़ेगा। आप नहीं बढ़ेंगे तो कोई अगला बंदा आपको कुचल के गिरा के आपसे आगे निकल जाएगा। तो उसके लिए स्पीड और एक्यूरेसी करने के लिए आपको एक ही कीवर्ड है, वो है प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस का स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ना बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है। नॉलेज सिर्फ रखने से आप स्पीड और एक्यूरेसी को नहीं बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट देखते हैं रूल नंबर 8, जो कि लास्ट है इस वीडियो का, वो है डू स्मार्ट वर्क। एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। तो आपको कोई भी चीज़ को करने के लिए हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, टू क्वालिफाई एनी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन अप्लायर आर रिक्वायर्ड टू डू अ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मीन्स हार्ड वर्क अलोंग विथ टाइम मैनेजमेंट। तो स्मार्ट वर्क वो होता है कि हार्ड वर्क आप कर रहे हैं उसके साथ आप टाइम मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, आप कैसे कोई भी चीज़ को इजीली सॉल्व कर रहे हैं, कैसे आप कोई भी स्टेप को, सपोज कोई भी एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन है जिसमें 7 स्टेप में सॉल्व हो रहा है, उसको मिनिमाइज करके 1 से 2 स्टेप में आप कैसे ला रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। उसके साथ इस 1 to 2 स्केप कर रहे हैं बट उसमें आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप 30 सेकेंड कर रहे हैं, 20 सेकेंड कर रहे हैं, तो उसके साथ आप टाइम मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप टाइम स्टेप को स्किप करने के चक्कर में आप उसमें 2 से 3 मिनट दे दे रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, इसमें आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको स्मार्ट वर्क के साथ, आपको हार्ड वर्क के साथ आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए हैं, तो उसको बोलते हैं डू स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क जिसको करना आ गया है वो एग्जामिनेशन को क्लियर करना इजीली हो जाएगा। तो दोस्तों ये बेसिक मेरा अपना आइडिया था आप को शेयर करने के लिए। आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।